भारतीय क्रिकेट फैंस के रग रग में दौड़ता है क्रिकेट। रोहित शर्मा से की कप्तानी में 2007 के बाद आएगा T20 वर्ल्ड कप। अब किस्मत भी पाकिस्तान को हारने से नहीं बचा पाएगी। इंग्लैंड को पीट कर भारत खेलेगी फाइनल। भारत और इंग्लैंड के बीच एडिलेड के मैदान में खेले जाने वाले सेमीफाइनल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हम इस रिपोर्ट में जो आपको बता रहे हैं, अगर भारतीय टीम के खिलाड़ी भी इन बातों पर गौर कर लें, तो टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1, रोहित शर्मा का हालिया प्रदर्शन चिंताजनक रहा है। रोहित ने इस पूरे टूर्नामेंट में 4, 53, 15, 2 और 15 रन की पारी खेली है। रोहित अगर लय में बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल के साथ अच्छी ओपनिंग साझेदारी करते हैं, तो सेमीफाइनल और फाइनल में भारत की जीत निश्चित होगी। नंबर 2, दिनेश कार्तिक को अगर इंग्लैंड के खिलाफ मैच में मौका मिलता है, तो कार्तिक अपने अनुभव का उपयोग करके फिनिशर की तरह खेलें, तो सेमीफाइनल में इंग्लैंड का टाटा बाय बाय हो जाएगा। हालांकि अभी अटकलें ये भी हैं कि सेमीफाइनल जैसे नॉकआउट और बड़े मुकाबले में पंत और कार्तिक में किसे मौका मिलता है। नंबर 3, अश्विन और अक्षर में से अश्विन को ज्यादा अनुभव होने के कारण मौका मिलेगा, और सेमीफाइनल में एक जिम्मेदार स्पिनर की भूमिका निभाते हैं, तो इंग्लैंड के बल्लेबाज पवेलियन की तरफ जाते दिखेंगे। नंबर 4, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव के बीच पिछले मैचों की तरह साझेदारी हुई, तो ये बैटिंग पेयर किसी भी रन को चेस करने की ताकत रखता है। लीग मैचों की तरह सेमीफाइनल में भी अगर सूर्या चमकते हैं, तो भारत को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 5, वर्ल्ड कप के लीग मैचों में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले डेथ ओवर के सटीक यॉर्कर किंग अर्शदीप को अगर मोहम्मद शमी का बेहतरीन साथ मिला, तो शुरुआती ओवर में बड़ा झटका देकर इंग्लैंड को सेमीफाइनल से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए पंजाब का शेर ही काफी है। सेमीफाइनल का पूरा दारोमदार अनुभवी खिलाड़ियों पर है, जो अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए 2007 के बाद T20 वर्ल्ड कप का सूखा भारत के लिए खत्म करेंगे। भारत के क्रिकेट फैंस रोहित एंड कंपनी को वर्ल्ड कप उठाते देखना चाहते हैं। भारत की जीत के लिए मंदिरों में पूजा पाठ और अनुष्ठान का आयोजन भी शुरू हो गया है, क्योंकि भारत में क्रिकेट अफीम की तरह है। फाइनल का मुकाबला किन दो टीमों के बीच होगा, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। क्रिकेट का रोमांच आप तक पहुंचता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर